क्वांटिफायर और क्वांटिफायर स्टेटमेंट में दो वर्ड आ गए, एक आ गया क्वांटिफायर और दूसरा आ गया क्वांटिफायर स्टेटमेंट। तो क्वांटिफायर स्टेटमेंट को थोड़ा बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपन क्वांटिफायर देखते हैं, ठीक है। जैसे अपने को थोड़ा एग्जांपल देखते हैं जनरल की ओर से, जैसे अपने को न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ते हैं, लेकिन कोई स्पीच दे रहा है, कोई बंदा स्पीच दे रहा है और अपने को राइटिंग करना है, तो वो स्पीच से स्पीड से अपन उतने टाइम में राइटिंग नहीं कर सकते, बराबर है ना, ये बात क्लियर होती है। तो फिर भी उसको राइटिंग करना है, वो जो बोल रहा है वो, तो वो राइटिंग करने में क्या करेगा, उसके जो कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड मानो, कुछ सेंटेंस मानो, तो उसका कुछ ना कुछ वो सिंबल बनाएगा। इस टाइप का एक कोर्स है, आपको बताया क्या बोला, स्टेनो नाम का, स्टेनो नाम सुना कभी, स्टेनो नाम का कोर्स शायद मेरे ख्याल से 12वीं बेसिक पर होता है। उसका एक ही कंडीशन है, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों में से मराठी सब्जेक्ट में मराठी सब्जेक्ट, मराठी कंपलसरी है, उसमें 80 के ऊपर मार्किंग होना, 80 के प्लस में होना, तो जिसमें एडमिशन मिलता है, शायद भंडारा में नहीं है लेकिन नागपुर में। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ज्यादा कोर्स बड़ा नहीं, 6 महीने का, 1 महीना, 6 महीने का, 1 साल का रहता है। तो मंत्री वगैरह रहते हैं ना, मंत्री वगैरह, तो जब स्पीच देते हैं तो उसको वो स्पीच अपने को राइटिंग करना पड़ता है, उस टाइप का कोर्स होता है स्केनो करके। उसकी सैलरी बहुत होती है, ज्यादा काम नहीं रहता, जो स्पीच देता रहता है उसको अपने को राइटिंग करना पड़ता है, बस की वर्क रहता है, उसकी सैलरी बहुत रहती है, गवर्नमेंट थ्रू लगते हैं, प्राइवेट वाले नहीं हो, गवर्नमेंट थ्रू लगते हैं, शायद 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सैलरी रहती है उसकी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, 1 साल का कोर्स रहता है वो। तो वो जो देखो, जो स्पीच दे रहा है बंदा, उसको अपने को राइटिंग करना है, तो वो अपन राइट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ वर्ड लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सिंबल डिनोट करना पड़ेगा, वो सिंबल डिनोट से अपन बोल सकते कि नहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसका अपन, जैसे मैं निगेशन, इफ एंड ओनली, ये अपना स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली नहीं लेकर अपन बाय कंडीशनल नाम डालेंगे तो अपन समझ जाएंगे कि नहीं, इसके लिए वर्ड इफ एंड ओनली यूज हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव पार्ट में वही चीज है, जैसे बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, सेंटेंस आ रहे हैं, पैराग्राफ्स आ रहे हैं, उसको अपने को डिनोट करना है, उसको अपने को डिनोट करना है, तो जो डिनोट करने के लिए फॉर्मेट यूज किया जाता है उसको अपन क्वांटिफायर बोलेंगे, ठीक है। उसके क्या बोलेंगे अपन, क्वांटिफायर, यानी कुछ वर्ड, कुछ ग्रुप, कुछ पैरा, इसको अपने को डिनोट करना है सिंबल से, तब अपन सिंबल यूज करेंगे, तो जो भी सिंबल यूज करेंगे वहां पर जो भी बनेगा दैट कॉल विल बी द क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो वो बाकी उसको अपन बाद में देखने वाले, सबसे पहले क्वांटिफायर। क्वांटिफायर है क्या, क्वांटिफायर ऐसे सिंबल होते हैं, कौन से पता नहीं हमें, ऐसे सिंबल होते हैं जिसको अपन कुछ वर्ड, कुछ ग्रुप, कुछ सेंटेंस को डिनोट करने में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो जो सिंबल यूज करेंगे दैट कॉल विल बी द क्वांटिफायर, क्लियर इतना, अरे हाय ना। अब ये जो क्वांटिफायर है अपने को मैथ में वहां पर दो टाइप के क्वांटिफायर दिया है, तो दे रहा था टू टाइप ऑफ विल बी द क्वांटिफायर। क्वांटिफायर के कितने टाइप बोला मैंने, विल बी द टू, ठीक है। इसमें से पहला आपका क्वांटिफायर ऐसा आएगा, विल बी द फर्स्ट, दैट विल बी द यूनिवर्सल, कैसा आएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा आएगा विल बी द एक्सिपल क्वांटिफायर, एक्सिपल क्वांटिफायर। तो जो वर्ड है, जो ग्रुप है, जो सेंटेंस है, उसको अपने डिनोट करना है, तो अपने को डिनोट करने के लिए अपने को उसे दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं क्वांटिफायर से। पहला क्वांटिफायर अपन डिनोट कर सकते हैं विल बी द यूनिवर्सल, और सेकंड यूज करते विल बी द एक्सिपनल करके, क्लियर इतना, आगे बढ़ो। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलेंगे किसको और एक्सिपनल क्वांटिफायर बोलेंगे किसको, बराबर है ना। तो इसमें नाम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का नाम हो गया विश्व, बराबर है ना, ऑल प्लैनेट, जैसे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में ऑल, यूनिवर्सल में सभी प्लैनेट आ रहे हैं, प्लैनेट सभी आ जाते हैं, लेकिन अपन अर्थ इस प्लैनेट की बात करेंगे तो अर्थ प्लैनेट में कुछ ही ना आएंगे, जैसे अपन लोग आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, कुछ नदी वगैरह, बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, वो अर्थ में आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल की बात करेंगे तो जो मैंने अभी जो बोला अपन लोग, तो अपन लोग भी सबसे पहले काउंटिंग यूनिवर्सल में हो जाएगा, बराबर है। अरे इसमें क्या आ रहा है, और सभी चीजें आ रही है और कुछ ही चीजें आ रही है, सभी यूनिवर्सल में बोलेंगे तो सभी चीजें आ रही है, ठीक है, और अर्थ की बात करेंगे तो कुछ ही चीजें आ रही है। तो जैसे मैं सभी चीजें, सभी प्लैनेट की बात करता हूँ तो सभी प्लैनेट एनी वो बनेगा टाइप ऑफ विल बी द यूनिवर्सल। फिर मैं एग्जांपल अपना कंप्लीट है, वो आगे बढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ।
तो सभी चीजें आती है उसको बोलेगा अपन यूनिवर्सल क्वांटिटी डिवाइस। जैसे अर्थ है तो अर्थ में भी यूनिवर्सल में अर्थ भी आता है, तो यूनिवर्सल का एक पार्ट अपन अर्थ उठाते हैं उनमें से और है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, ये अलग हो गई, वो सभी यूनिवर्सल में आ गया, लेकिन मैं वहां से अर्थ अलग मानता हूँ, सन को अलग मानता हूँ, तो ये क्या कुछ ही नंबर आ रहे, कुछ ही प्लैनेट आ रहे। तो जब कुछ ही प्लैनेट आते तब टाइप ऑफ एक क्वांटिटी पार्ट को अपन बोलेंगे विल बी द एक सिंगल क्वांटिटी पार्ट। तो मेरे ख्याल से अभी भी दिमाग में नहीं गया, दोनों वर्ड अभी भी दिमाग में नहीं गए, बराबर है ना, यूनिवर्सल और एक्सिंगल, और मैंने पूरा भी नहीं बताया, अभी बाकी है, अभी मेन में आते हैं। देखो जो यूनिवर्सल क्वांटिटी पार्ट है, यूनिवर्सल क्वांटिटी पाया तो इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है विल बी द ये वाला सिंबल, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड इसको अपन रीड करेंगे दैट फॉर विल बी द फॉर ऑल, इसको रीड करेंगे विल बी द फॉर ऑल। तो पहले एक चीज दिमाग में रखो, यूनिवर्सल क्वांटिटी पाया इज डिनोटेड बाय द सिंबल फॉर विल बी द फॉर ऑल से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे फॉर ऑल से, ठीक है। और दूसरा जो क्वांटिटी पार है, दूसरा क्वांटिटी पार कौन सा आ रहा है, एक्सिटनल क्वांटिटी पार, तो एक्सिटनल क्वांटिटी पार के लिए सिंबल यूज करेंगे ये वाला, इसको अपन उल्टा टाइप का ई भी बोल सकते हैं, और इसको स्टैंडर्ड इसको अपन रीड करेंगे दैट विल बी द देयर एक्सिट, कौन सा वर्ड यूज करेंगे देयर एक्सिट, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिटी पार इज द डिनोटेड बाय द सिंबल फॉर ऑल से, और एक्सिटनल क्वांटिटी पार इज द सिंबल यूज फॉर विल बी द देयर एक्सिट, ठीक है। अब यूनिवर्सल और एक्सिटनल बोलेंगे तो एक्जेक्टली किसको, तो जैसे मैं ग्रुप ले रहा हूं, एक नंबर ले रहा हूं, ग्रुप ले रहा हूं, जैसे मेरे पास एक सेट है विल बी द ए इक्वल टू द, सो द 1 2 3 4 5 ये मैंने ग्रुप उठाया, बराबर है। अब मैं यहाँ पर एक से कुछ वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ कंडीशन रख रहा हूँ, कुछ कंडीशन रख रहा हूँ, जैसे सो दिस विल बी द एक्स द लेस दैन लेक्स विल बी द 16, दूसरा कंडीशन रख रहा हूँ विल बी द एक्स विल बी द ग्रेटर विल बी द 2, चलो ये दो ही कंडीशन रख दिया, ये दो कंडीशन। अब मेरा पहला कंडीशन है इसी ग्रुप में देख रहा हूं मैं, x लेदर विल बी द 6 से कम नंबर इस सेट में से उठाने हैं, तो मेरा x स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 6 से कम वाले कंडीशन है ये ना, 6 से कम वाले नंबर, तो 6 से कम वाले नंबर कौन सा आएगा इस सेट में से, 1 2 3 4 5 कितने आएगा, लेकिन x ग्रेटर 2 बोल रहा हूँ, तो x ग्रेटर 2 में मेरा x स्क्वायर कितना आएगा विल बी द 2 बोल रहा है, तो 2 को छोड़कर इक्वल नहीं है उससे ज्यादा, कितना आएगा विल बी द 3 4 और 5 आ रहा है, कितना क्लियर है। अब यहाँ से आपके जो दो वर्ड है यूनिवर्सल और एक्सिटनल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो x लेदर विल बी द 6 मैंने इस ग्रुप से उठाया, इसमें x के इस सेट में से जितने भी वैल्यू थे 1 2 3 4 5 वैल्यू थे, तो सभी के सभी वैल्यू इस कंडीशन में आ गए, और इस कंडीशन में अपन बात करेंगे इस सेट में से कुछ ही नंबर आए, पूरे नंबर नहीं आए, कितना नंबर आ गया 3 4 5 बराबर है, कुछ ही नंबर आ गए ना, तो इसमें ऑल सभी नंबर आ गए और इस सेट में से कुछ ही नंबर आ गए, तो जिस सेट में जिस कंडीशन में उस ग्रुप के सभी नंबर आते हैं, सभी एक भी छूटना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे सभी नंबर आना चाहिए, तो दैट टाइप ऑफ ए यूनिवर्सल सॉरी दैट टाइप ऑफ ए क्वांटिफायर इज कॉल्ड विल बी द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसमें नाम ही है ऑल करके फॉर ऑल, अरे सभी के सभी, तो उस सेट में से उस ग्रुप में से उस पैराग्राफ में से उस सेंटेंस में से सभी नंबर उस टाइप में आते हैं, तो उस टाइप ऑफ ए क्वांटिफायर को क्या बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब ये जो मेरे पास कंडीशन है और ये जो सेट है मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ फॉर द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो ये का विल बी द फॉर ऑल, फॉर ऑल, सो दिस विल बी द ग्रुप ए रख ना, सो दिस विल बी द एक्स बिलोंग टू फॉर विल बी द ए, ये एक्स ये सिंबल हो गया बिलोंग, ये हो गया फॉर ऑल, और ये हो गया देयर एक्स से, ठीक है, इसमें सभी आ गया, इसने फिर इसको किसे नोट किया फॉर ऑल से, फॉर ऑल दैट विल बी द यूनिवर्सल क्वांटिटी। लेकिन इस साइड में अगर देखते हैं इस साइड में सेकंड साइड में, तो सेकंड साइड में इस ग्रुप में से पूरे नहीं कुछ ही नंबर आए, मानो एक भी नंबर रहता तो भी चलता, एक भी नंबर रहता तो भी चलता, ठीक है, जैसे 5 नंबर है, ये 5 एक ही नंबर रहता तो भी चलता, तो उस ग्रुप में से कोई एक भी नंबर आता है पूरे नहीं पूरे आगे तो फॉर ऑल अरे यूनिवर्सल हो गया, लेकिन उस ग्रुप में से कुछ ही नंबर आते हैं, जैसे 1 आ गया 2 आ गया, जैसे 10 है 10 में से 9 आ रहे एक नहीं आ रहा है, या 10 में से 9 छूट रहे एक आ रहा है, तब उस टाइप ऑफ क्वांटिटी फायर को अपन बोलेंगे विल बी द एक्सिटनल क्वांटिटी फायर,
ठीक है, क्या बोले क्या बात, एक सिंगल क्वांटिटी वन, जैसे इसके लिए अब ये कंडीशन है, तो इसको मैं डिटरमिनेंट से ऐसे लिख करूंगा, सो देयर द एक्स इफ एक्स बिलोंग टू फॉर्मल बी द एक्स और सन एक्स नहीं एक्स बिलोंग टू फॉर्मल बी द ए, ये ग्रुप का है, यहां पर भी ग्रुप का ए रहेगा, सो दिस विल बी द सच दैट, सो दिस विल बी द एक्स विल बी द ग्रेटर विल बी द 2। देखो इसमें कुछ ही नंबर आ रहा है, इसलिए मैं इसको किससे डिट करूंगा, देयर एक्स इफ से, और इसको किससे डिट करूंगा मैं फॉर ऑल्स, दो बार क्लियर है, यूनिवर्सल क्वांटिटी वन यानी क्या, उस ग्रुप में उस सिंबल में उसको स्टैंड करेगा ये वाला सिंबल, द सिंबल फॉर ऑल इस स्टैंड करने तो फॉर ऑल दिस टाइप आप पे यूनिवर्सल इसको फिर भी द यूनिवर्सल क्वांटिटी वन, इसका इतना ही है, बट यूनिवर्सल उतने में समझ में नहीं आएगा, तो बस सिंपल से ध्यान रखना, ग्रुप में से सभी के सभी नंबर वहां पर आते हैं, उस कंडीशन में सभी नंबर आ गए, दैट टाइप ऑफ ए नंबर इज क्वांटिटी फाइव, इज कॉल्ड विल बी द क्वांटिटी फाइव यूनिवर्सल क्वांटिटी फाइव, और ग्रुप को देखा अपना एक्सिटल क्वांटिटी फाइव, तो एक्सिटल क्वांटिटी फाइव के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, इसको स्टैंड का बोलेगा पर दे आर एक्स, कुछ ग्रुप में से कुछ ही नंबर आते हैं, दैट टाइप ऑफ ए क्वांटिटी फाइव इज कॉल्ड विल बी द एक्सिटल क्वांटिटी फाइव, ठीक है, क्वांटिफायर क्लियर है, ये अभी बाकी है, क्वांटिटी फाइव स्टेटमेंट बाकी है, अपन जो पढ़ेंगे ओनली क्वांटिटी फाइव से, तो क्वांटिटी फाइव एक बार फिर से रिपीट देखो, कुछ नंबर कुछ ग्रुप इसको डिनोट करना है बाय विल बी द सिंबल से, तो सिंबल डिनोट करने के लिए यूज किया जाएगा विल बी द क्वांटिटी फाइव, ठीक है, क्वांटिटी फाइव की अगर बात करेंगे तो क्वांटिटी फाइव अपने को दो टाइप में आ रहे, पहला आ रहा है अपना यूनिवर्सल क्वांटिटी फाइव और दूसरा आ रहा विल बी द एक्सिटल क्वांटिटी फाइव, यूनिवर्सल क्वांटिटी फाइव के लिए सिंबल यूज करेंगे फॉर ऑल का, इसका मीनिंग ये रहेगा उस ग्रुप में से सभी के सभी नंबर आना चाहिए, दैट टाइप ऑफ ए क्वांटिटी फाइव को अपन बोलेंगे क्वांटिटी फाइव स्टेटमेंट, एक्सिटल क्वांटिटी फाइव में से उस ग्रुप में से कुछ ही नंबर आना चाहिए, पूरे नहीं कुछ ही नंबर आना चाहिए, दैट टाइप ऑफ ए क्वांटिटी फाइव को क्या बोलेंगे अपन एक्सिटल क्वांटिटी फाइव, और इसमें सिंबल है फिर बी दियर एक्स, क्लियर इतना, अब अपना नेक्स्ट वर्ड होता है अपना क्वांटिफाई स्टेटमेंट, देखो इसमें नाम है क्वांटिफाई स्टेटमेंट, अब सो मैंने ये कंडीशन रखा और जैसे ये वाला कंडीशन मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया, ये हो गया एक्सिटल क्वांटिटी फाइव, और इसके लिए मैं लिखना चाहता हूँ ये वाला कंडीशन लेकर, ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द ए सच दैट, सच दैट इसका कंडीशन क्या रहेगा विल बी द एक्स प्लस विल बी द सिक्स, ठीक है, अब अपन स्टेटमेंट की बात करेंगे सेंटेंस में, तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया बराबर है ना, और इसमें भी अपन बात करेंगे तो एक सेंटेंस हो गया, अब जो सेंटेंस वो ट्रू है या फॉल्स है मेरे को पता नहीं, लेकिन वो सेंटेंस हो गया और सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो उसको अपन क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, इसका मीनिंग ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट हो गया और ये भी क्या हो गया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है अपने को क्वांटिफाई देखना है, तो ये पहले का आपका स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट में देखो फॉर ऑल और देयर एक्स इफ ये दो क्वांटिफायर यूज किए, तो जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर आता है ये क्वांटिफायर हो गया ये भी क्वांटिफायर हो गया ना, तो जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर ये जो सिंबल यूज किया जाता है उस टाइप ऑफ पे सेंटेंस को या उस टाइप ऑफ पे स्टेटमेंट को अपन बोलेंगे विल बी द क्वांटिफायर स्टेटमेंट, अरे अब ये उसमें फॉर ऑल ये क्वांटिफायर आ गया इसलिए क्या हो गया आपका क्वांटिफाई स्टेटमेंट बना, इसमें देयर एक्सिट आ गया लेने सिंबल आ गया इसमें इसका मैंने ये क्या हो गया आपका क्वांटिफाई स्टेटमेंट, एंड जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर ये होते हैं सिंबल होते हैं उस टाइप ऑफ स्टेटमेंट को अपन बोलेंगे क्वांटिफायर स्टेटमेंट, क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक हो गया, अब इस टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा कैसे, टॉपिक क्लियर है ना, एक बार रिपीट बताओ देयर एक्सिट सिंपल सिंपल ध्यान में रखना यूनिवर्सल फॉर ऑल एक्सिट नल देयर एक्सिट उसका सिंबल और इसका सिंबल इसका मीनिंग सभी के सभी बस ये ध्यान में रखना इसका मीनिंग ग्रुप में से कुछ ही वैल्यू ग्रुप दिया रहेगा उस इसमें से ज्यादा नहीं एक दो वैल्यू भी आता है तो भी क्या बनेगा एक्सिट नल बनेगा और जिस स्टेटमेंट में ये दो क्वांटिटीफायर यूज किया जाता है उसको अपन बोलेंगे क्वांटिटीफायर स्टेटमेंट, क्लियर है, ये टॉपिक हो गया, अब इस टॉपिक पर अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट हो गया ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट हो गया बराबर है, अब अपने क्वेश्चन दो ही टाइप में है, दिया हुआ जो क्वांटिफायर स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है वो चेक करो एंड राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए क्वांटिफायर स्टेटमेंट, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि क्वांटिफायर स्टेटमेंट का निगेशन राइट करो राइट द निगेशन ऑफ ए क्वांटिफायर स्टेटमेंट,
ऐसे दो ही टाइप का क्वेश्चन है और आज के डेट में अपने क्वेश्चन खत्म करके चलना है, ठीक है, ये टाइप आज ही खत्म मारना है, क्लियर है। तो अपने क्वेश्चन क्या रहेगा, एक तो क्वांटिटी वाइज स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लो या एक को क्वांटिटी वाइज का विल बी द निगेशन राइट करो। सबसे पहले अपन ट्रूथ वैल्यू पर जंप कर दे। देखो जैसे मेरे पास ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसका ये प्रूफ है। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू समझ में आता है ना, ट्रूथ वैल्यू ऑलरेडी अपन पढ़े, बहुत कुछ पढ़े, सिंपल स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू पढ़े, कंपाउंड स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू अपन लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कुछ है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ये डिपेंड होता है दो सिंपल स्टेटमेंट एंड देयर द कनेक्टिविटी, बराबर है। ट्रूथ वैल्यू चेक करना है इसका, मैंने वो दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है ये देखना पड़ेगा। अरे क्लियर है ना, अरे हाय ना, तो दिया हुआ स्टेटमेंट मानो ट्रू है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा, और दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, या रहेगा। तो वही काम इसमें, उसका ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करो तो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू हो गया तो ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा, फॉल्स हो गया तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, या रहेगा। क्लियर इतना। अब देखो ये मैंने क्वांटिटेटिव वाइज स्टेटमेंट उठाया, अब इस क्वांटिटेटिव वाइज स्टेटमेंट में ये कंडीशन है x बिलोंग लेस विल बी द 6, ये सेट है मेरा, तो ये सिंबल कौन सा है, सिंबल ढूंढना, ये सिंबल कौन सा है, फॉर। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस कंडीशन के लिए इस ग्रुप में से सभी के सभी नंबर होना चाहिए तब जाकर ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। अब x ले जा रहा 6 उठाता हूं मैं इस ग्रुप में से तो मेरा जो स्टेटमेंट वो ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना, क्योंकि ग्रुप में से सभी नंबर आ रहे, इसका मीनिंग स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका ट्रू क्या रहेगा, क्या रहेगा, टी रहेगा। अब मैं तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देता हूँ, मेरा 6 करके, और अभी मेरा कंडीशन यही है, अभी कंडीशन मेरा यही है, सिंबल यही है, बट इस ग्रुप में से अब नंबर कौन से आ रहे, 1 2 3 4 5 आ रहे, 6 नंबर आ रहे क्या, यानी इसका भी पूरे नंबर आ रहे क्या। अब ये सिंबल है, ये सिंबल है, अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इन केस में हम इसका ट्रू वैल्यू करेगा या यही अपने क्वेश्चन। अब ये दूसरा कंडीशन है, ये देर एक्सिट है, ये देर एक्सिट है ना, अब देर एक्सिट के लिए एक कंडीशन है कि दो से ज्यादा नंबर, तो दो से ज्यादा नंबर कौन से आ रहे हैं, 3 4 5 6, लेकिन 1 2 आ रहे क्या, अरे कुछ ही नंबर आ रहे, पूरे नंबर आ रहे क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, और इसका ट्रू क्या रहेगा, टी। अब मानो ये देर एक्सिट है, इसके प्लेस में मैं फॉर ऑल डाल देता हूँ और कंडीशन यही रहता है मेरा, तो इस केस में अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका फॉल्स, ठीक है, और इसका ट्रू क्या रहेगा, आपका या, ये आपका पहला क्वेश्चन, समझा। अब ठीक है, इतना पहला क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अपने को निगेशन राइट करना है, क्या राइट करना है, निगेशन। जैसे एग्जाम्पल का अपन बात करेंगे, देखो निगेशन की अपन बात करेंगे तो निगेशन क्या होता है, निगेशन, निगेशन मेक द स्टेटमेंट फॉर द निगेटिव, ये अपन दोनों केस में पढ़े, कंपाउंड का भी निगेशन पढ़े, कंपाउंड का निगेशन मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में पढ़े, रूल ऑफ निगेशन में, और सिंपल स्टेटमेंट का भी निगेशन पढ़े। यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, तो निगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट में देखो इसमें रिप्लेस करना है, जैसे अपने पास मानो कंपाउंड एक्स इतना ले आओ विल बी द 44 में स्टेटमेंट में और ये नाम होता है तो और को रिप्लेस करो फॉर विल बी द 6 इज एम, ठीक है, इसको रिप्लेस करना, क्या मानो ये नाम आ रहा है इसको रिप्लेस करना ऑल, ठीक है। उसके बाद मानो नाम आता है विल बी द देयर एक्सिट, ये नाम आता है इसको रिप्लेस करना विल बी द फॉर ऑल, इसको रिप्लेस करना फॉर ऑल से रिप्लेस करना, ये डबल है ना, फॉर ऑल से। अब मैं उसमें लेटर आ रहा है जैसे मैंने देर एग्जिट नाम लिखा, फॉर ऑल नाम लिखा ना, अब मैं वापस सिंबल आ रहा है जैसे देर एग्जिट के लिए ये सिंबल आ रहा है देर एग्जिट, और फॉर ऑल के लिए ये सिंबल आ रहा है, ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट ये सिंबल है उसको रिप्लेस करके क्या लिखना, फॉर ऑल का सिंबल, और फॉर ऑल आ रहा है इसके प्लेस में क्या लिखना, देर एग्जिट लिखना। इसमें दो चीज है, निगेशन के लिए सबसे पहली चीज ये ऑल को रिप्लेस करो सेम से, और सेम से रिप्लेस करो ऑल से, फिर एक्सिट को रिप्लेस करो फॉर ऑल से, और फॉर ऑल को रिप्लेस करो किसे, विल बी द देयर एक्सिट, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऑल रोज, रोज आर ओ एस है ना, गुलाब गुलाब आर इन अ रेड कलर, ठीक है, इसमें मैंने ऑल नाम लिया, ऑल नाम आ गया, इसका मीनिंग वो जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट हो गया, क्वांटिफायर स्टेटमेंट हो गया, क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले बोला था जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर स्टेटमेंट। तो मैंने ऑल नाम डाला ना, तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया, क्वांटिफायर। अब जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला कि ऑल
रोज आर इन अ रेड कलर, ये मेरा स्टेटमेंट है, उसका मेरे को निगेशन करना है। तो ऑल को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, मेरा स्टेटमेंट रहेगा सेम रोज आर इन अ रेड कलर, ऐसे रहेगा। जो हाँ जो स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है ना उसको भी अपने को निगेशन करना है। जैसे यहां पर लिख लो और रोज आर, नहीं ऐसे ये नहीं हो, आर रेड इन अ कलर, ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा। तो मैं तो इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे, इसको रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस होने के बाद वो निगेशन नहीं बनेगा। तो ये जो अपना स्टेटमेंट है ना इसको भी निगेशन लगाना है, ठीक है, रिप्लेस तो करना चाहिए लेकिन साथ में क्या लगाना है, निगेशन लगाना है। तो यहाँ पर रिप्लेस तो वर्ड आ जाएगा लेकिन ये भी रिप्लेस हो जाएगा, रोज आर नॉट इन अ रेड कलर, वो बनेगा आपका निगेशन। तो इसे अपने को क्वांटिटी वाले में दो ही टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले उसका ट्रूथ वैल्यू चेक करो, क्या चेक करो, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू डिपेंड किसके करेगा, ट्रू है कि फॉल्स। तो वहां पर ये सिंबल देखना, एक सिग्नल के लिए पूछिए नंबर वापस सैटिस्फाई होना चाहिए, और ऑल के लिए सभी ग्रुप सैटिस्फाई होता है तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज द फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू या, और ट्रू रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू द टी रहेगा। निगेशन के लिए रिप्लेस करना अपने को, ठीक है, और स्टेटमेंट को भी साथ में क्या करना है, निगेशन। तो ये हो गया अपना क्वांटिटी पार्ट, इतना ही अपने प्रॉब्लम है और इतना ही अपना टॉपिक। ये टॉपिक नया है और मैंने स्टार्टिंग में पहले भी बोला था कि मैथमेटिकल लॉजिक में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, तो टॉपिक को थोड़ा बराबर ध्यान देना, छोटे छोटे लेकिन सिंपल टॉपिक है, ओके। चलो लिखो बराबर, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही सेट दिया हुआ है और कुछ कंडीशन बदल रहे, उस कंडीशन के लिए उसका अपने को लिखने को क्वेश्चन, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू को अंडरलाइन कर लो। ट्रूथ वैल्यू मैंने दिया हुआ पैटर्न ये है कि यहाँ पे वो देखना है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे कुछ लिखेंगे उसको मार्किंग में टी टू या तो आपका वन मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सीट दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और 12, इसमें क्वांटिटीफायर यूज किया है, देयर एक सीट, इसलिए क्वांटिटीफायर स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है वो चेक करना, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आंसर, 1 कंडीशन क्या आपके पास, x माइनस n इक्वल टू द 1, और ये जो सिंबल है यार एक्सिट है कि फॉर ऑल है, सिंबल के हिसाब से ढूंढना है, देयर एक्सिट इसका मीनिंग हो गया इस सेट में से एक भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, देयर एक्सिट है ना, तो देयर एक्सिट में इस इक्वेशन को एक तो नंबर पूरे नहीं होंगे तो भी चलेगा, एक तो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देख रहा हूं मैं रुको एक मिनट, क्या x माइनस एट इक्वल टू 1, तो इस ग्रुप में से मैं एक्स पर यहाँ पर 9 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 9, या x इक्वल टू द 9, तो देन मेरा बनेगा 9 माइनस एट इक्वल टू द 1, तो जब मैं x की वैल्यू 9 रखता हूँ तो मेरा जो इक्वेशन है वो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, x कौन सी वैल्यू से 9 से एक वैल्यू। अब मान लो यहाँ पर मैं 7 भी रखता हूँ तो 7 माइनस 8 माइनस 4 बनेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट सिंबल कौन सा आ रहा है, अब देयर एक्सिट का कहना है कि उस सेट में से एक तो नंबर विल बी द सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 9 ये नंबर सेटिस्फाई हो गया, इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट इस कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा, समझा। चलो लिख दो, सो देयरफॉर द एक्स इक्वल टू द 9 सेटिस्फाई फॉर गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, तो देयरफॉर द, तो जो स्टेटमेंट है अपना सेटिस्फाई हो गया ना, स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू, और दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा, तो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यूज इज अ टी रहेगा। तो आप लोग इतना एक्सप्लेन नहीं भी करते और डायरेक्ट गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू और ट्रू का लो टी, तो भी आपको एक मार्क मिलेगा, ठीक है, उसका कहना ये बस स्टेटमेंट चाहिए अपने उसको टी या ये भी नहीं, लास्ट में ट्रू का लो टी, तो भी आपको एक मार्क मिलेगा, इतना एक्सप्लेन नहीं करते तो भी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके डाउट इसमें,
से करना था, ये ग्रुप है बस फॉर्मेट चेंज हो रहा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स प्लस एक्स इज अ इवन नंबर, सिंबल टू ना कौन सा है उसके हिसाब से कंडीशन होता है। हो गया, देखो एक जनरल क्वांटिटी बार आ रहा है कि फॉर ऑल आ रहा है, फॉर ऑल इसका मैंने इस ग्रुप में से सभी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज क्या बोल रहा है, इवन नंबर, ठीक है, ध्यान दो। 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर हो गए, अरे ऑड हो गए ना, तो ऑड का पहले मैं यहां पर ऑड नंबर रखता हूँ, इक्वल टू इवन नंबर आएगा तो चेक करता हूँ, कोई भी एक रखो सभी के लिए रखेंगे तो सेम आएगा, कोई बोला जैसे मैं 7 ले रहा हूँ या 9 कोई भी एक लो, तो कौन सा लो, सिंपल 3 वाला लेता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 3 एक्स बोल रहा है कितना हो गया 12, 12 इवन नंबर सेटिस्फाई हो गया। अब एक नंबर बचा है वो गलत आ गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, कौन सा नंबर बचा है 12, 12 ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें और 12 ऐड करेंगे तो 156, वो भी इवन नंबर। अब देखो इस ग्रुप में से सभी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करें, बराबर है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है ट्रू, तो इसका 12 क्या बनेगा, ई बनेगा। लो फॉर ऐसे लिखो, फॉर एक्स इक्वल टू द पूरे नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 12 आर सेटिस्फाई, अरे यहां पर सेटिस्फाई की स्पेलिंग गलत होगी, फॉर इवन स्टेटमेंट, इवन स्टेटमेंट गिवन कंडीशन, तो गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू, अब स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बेटा टी, सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यूज इज अ टी। अब जा रहे हैं कुछ दिमाग में, क्योंकि दो टाइप क्वेश्चन है, ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यू और निगेशन। चलो बेटा और नेक्स्ट लॉ थर्ड, देयर एक्सिट एक्स बिलोंग टू द ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस जीरो, सिंबल वाज़ अ स्टैंड एक्स में जो कंडीशन के लिए जो वैल्यू है अपने एक्स के वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसका हमें स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉर, एक तो कंडीशन होना चाहिए था ना रे, एक भी नहीं हो रहा है, गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉर, इसका ट्रू वैल्यू क्या रहेगा, या लो, सो द नो वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स आर सेटिस्फाइड फॉर गिवन स्टेटमेंट, इवन स्टेटमेंट, सो देयरफॉर द इवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, और दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है उसका ट्रूथ वैल्यू करेगा या ट्रूथ वैल्यूज इज अ या, ठीक है, और बी डाउट। चलो नेक्स्ट फोर नंबर, इसमें 6 क्वेश्चन है, फॉर ऑल
x belong to the A for all x belong to the A. X is a given number. X is a given number. Symbol is for all. For all तो सभी नंबर इवन नंबर होना चाहिए. अरे ऑल है ना तो सभी नंबर इवन नंबर होना चाहिए. ग्रुप में सभी नंबर इवन है क्या? अरे वो जो कंडीशन हो क्या हो गया? फॉल्स हो गया. सो द एक्स इक्वल टू द थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन आर ऑड नंबर आर नॉट इवन नंबर. ऐसे लिखना आर नॉट इवन नंबर. ये इवन नंबर नहीं है और उसका कह रहे हैं कि पूरे इवन नहीं इवन नंबर नहीं चाहिए था. सर इवन नंबर होना ये कौन से नंबर आ गए? आठ. हाँ इसके जगह पर देयर एग्जिट रहेगा तो 12 नंबर इवन नंबर बनता तो वो टू बनता. लेकिन सिंबल कौन सा है? फॉर ऑल. इसका मीनिंग ये क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स हो गया. सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स और दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? या सो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यूज इज अ या. ठीक है इतना और वेट आउट. चलो नेक्स्ट नंबर फाइव. देयर एक्सिट एक्स बिलोंग टू द ए एक्स ब्लॉक टू द ए सच दैट पी एक्स प्लस ए ग्रेटर विल बी द 14 40 के ऊपर आना चाहिए. देयर एक्स है ना कुछ ही वैल्यू से 40 के ऊपर आना चाहिए कंडीशन के हिसाब से. ये स्टेटमेंट ट्रू इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है वो अपने को चेक करना है. ठीक है चलो आंसर सिंपल कौन सा है? तो एक तो भी वैल्यू साढ़े का होता है क्या? देख लो जैसे मैं यहाँ आ गया तो किधर है नंबर और नाइन रखता हूँ नाइन रुको एक नाइन तो नाइन इंटू थ्री 27 प्लस एक 35 फेल हो रहा है. बट 11 12 रख रहा हूँ दो आ रहे 11 तो 11 मल्टीप्लाई 3 33 प्लस एक 41 उससे ज्यादा आ रहा है फॉलो हो रहा है. 12 मेरा बंदा तो फॉलो हो रहा है. अरे बाकी नंबर तो नहीं ले रहे नाइन तक लेकिन 11 12 आ रहा है और एक से का मीनिंग एक तो होना तो दो वैल्यू ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है ना. इसका मीनिंग स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया. लो फॉर एक्स इक्वल टू 11 और द 12 आर सेटिस्फाई थ्री एक्स प्लस द एक प्लेस विल बी द 40 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो अपना गिवन स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू. सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है उसका ट्रूथ वैल्यू है 3. सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यूज इज आर 3. ठीक है और गेट आउट. चलो एक फाइनल क्वेश्चन है तो आपको इसको होमवर्क रखता हूं. फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द ए ट्वाइस एक्स प्लस नाइन ग्रेटर विल बी द 14. देखिए वाला फॉर ऑल बोले तो सभी होना चाहिए. 12 ये नंबर नहीं आएगा. 24 प्लस 9 बड़ा हो रहा है इसका भी इसका ट्रुथ वैल्यू रहेगा फॉल्स है. ठीक है चलो तीन लाइन छोड़ दो. नेक्स्ट स्टार मार्क लिखो नेगेशन बचा उसको भी कंप्लीट कर लेते. तीन क्वेश्चन है इसका. राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग और इसके तीन क्वेश्चन है. अब इससे तीनों के लिए गलती हो जाए. फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर
आर पोल नंबर, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का अपने को निगेशन लिखना है। क्वेश्चन है राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, ये दो ही क्वेश्चन है इस टॉपिक में। यहां पर निगेशन को आप लोग अंडरलाइन कर लो, निगेशन। अब पॉइंट देखो, इसमें ना ऑल ये नाम आ गया, इसको अंडरलाइन करो। ऑल ऑल नाम आ गया, इसका मीनिंग वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया, बराबर है ना। इसका निगेशन करना है तो ऑल को रिप्लेस करो सर। और यहाँ पर आएगा देखो, साथ ही साथ सेंटेंस को भी निगेटिव बनाना है, तो अपना निगेशन क्या बनेगा सर, नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, ये बनेगा निगेशन स्टेटमेंट। आंसर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, मैं बता रहा हूं आप लोग लिखो। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके तो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा रे, नेचुरल नंबर नंबर आर नॉट होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। ये हो गया इसका निगेशन। चलो सही कर दो, फॉर ऑल इधर लिख रहा हूं मैं, सही कर दो। एक्स बिलोंग टू द ए, सॉरी ए बिलोंग टू द कैपिटल ए, कैपिटल ईयर, एक्स स्क्वायर प्लस ईयर माइनस, पता नहीं कितना है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, इज डिविजिबल बाय फोर। राइट द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके चलो आंसर करो, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, पहले इतना लिख लो, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देख लो फॉर ऑल है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, अरे ध्यान दो, यार एक्स ईयर बिलोंग टू द कैपिटल ईयर और रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू, इसे चार से डिवाइड हो रहा है, तो साथ ही उसका निगेशन बनाना पड़ेगा ना, तो क्या बनेगा, इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ये हो गया इसका निगेशन। ओके एक फाइनल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थर्ड, देयर एग्जिट, देयर एग्जिट एक्स बिलोंग टू द ईयर, एक्स बिलोंग टू द ईयर सच दैट, सच दैट एक्स माइनस सेवनटीन, एक्स माइनस सेवनटीन लेस विल बी द 34। राइट द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ओके तो एक्स को रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से, एक्स बिलोंग टू द ईयर सच दैट, थोड़ा ध्यान दो बेटा, एक्स माइनस सेवनटीन ये लेस है ना, तो इसका निगेशन करेगा ग्रेटर इक्वल दैट विल बी द 34, ये होगा इसका निगेशन। ठीक है तो इसके साथ साथ ये क्वांटिफायर और क्वांटिटी फाइव स्टेटमेंट भी खत्म हो गया।